नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये, बिल्कुल हलवाई जैसी होगी और बहुत थोड़े से सामान से बन जाएगी। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये आधा किलो लौकी ली है, बिल्कुल कच्ची वाली जिसे दूधी भी कहते हैं, उसका छिलका हटा लिया है और उसे इस तरह से कस लिया है। तो आप कच्ची लौकी लें और एक कढ़ाई में देखिए मैंने ये थोड़ा सा घी डाला है। मोटे तले की आप कढ़ाई लें ताकि नीचे लगे नहीं। घी थोड़ा गर्म होते ही उसमें हम ये लौकी डाल देंगे। तो आधा किलो लौकी है ये और बहुत कच्ची। तो इसे हम देखिए इस तरह से लगभग 10 मिनट तक चला लेंगे ताकि थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए और ये कुक हो जाए। थोड़ी सी बहुत हल्की कुक करनी है देखिए इस तरह की। अब ये देखिए मैंने एक लीटर दूध को काफ़ी देर तक गर्म करके आधा लीटर कर लिया है। ये दूध अब इसमें हम डालेंगे। अब यहाँ गैस को हमें बिल्कुल तेज रखना है, पहले भी तेज ही रखना था, और इसे थोड़ा सा हमें रिड्यूस करना है कि दूध कम हो जाए, सूखने लग जाए बॉईल होने के बाद। तो देखिए बॉईल होने लग गया है ये। अब इसे हम थोड़ा चलाएंगे और देखिए दूध कम हो गया है, गाढ़ा भी हो गया। अब मैंने यहाँ लगभग 100 ग्राम एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम फिर से चलाएंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये एक कटोरी मैंने चीनी डाली है, लगभग ये 150 ग्राम चीनी है। ये आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे और तेज़ गैस पर हम लगातार चलाते हुए इसे हमें कुक करना है कि बिल्कुल सूख जाए। वैसे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर बर्फ़ी बनाने के लिए थोड़ा इसे हमें सुखाना होगा अच्छे से। अब इलायची पाउडर डालेंगे यहाँ हम। तो इलायची पाउडर आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। अब ये देखिए मैंने ग्रीन कलर लिया है, ये आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आपको डालना है तो एक साथ ज़्यादा ना डालें, जितनी ज़रूरत हो उतना। और इसे थोड़ा लास्ट होने की स्टेज से थोड़ी देर पहले ही डालें, बहुत जल्दी आपको नहीं डालना है। और देखिए लगातार चलाते हुए इस तरह से सुखा लेना है आपको, गैस को तेज रखना और लगातार चलाना है इसे, तो नीचे लगे नहीं ये। और जब इस तरह सारा इकट्ठा होना लग जाए तो समझिए आप अब ये बनने के लिए तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने देखिए एक ट्रे पर ग्रीस लगाया और घी से, और उसमें ये बर्फ़ी का बैटर डाल दिया है। और इस तरह से एक स्पैचुला की मदद से आप इसको फ्लैट कर दें और इसे सेट कर दें। अब इसको चाहे आप फ्रिज में रखें या बाहर इसको 3-4 घंटे अच्छे से जमने दें। जल्दी है तो आप फ्रिज में रख दें। देखिए ये अब अच्छे से सेट हो गई है। मैंने इस तरह कट लगा लिया है और काजू लगा दिया डेकोरेशन के लिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बर्फी बन के तैयार हुई है। आप बनाइए इसे घर में, बहुत टेस्टी लगती है ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।